हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कथाओं का वर्णन मिलता है जिनकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते। ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म होता है। यह विज्ञान इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानता है, वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में इसे महिला की कमजोरी बताया गया है। मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो आइए श्रोताओं, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका क्या कारण बताया गया है। नमस्कार, द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका कारण देवराज इंद्र के द्वारा महिलाओं को दिए गए श्राप को बताया गया है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्र देव से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इसी वजह से इंद्र देव को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्र देव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि हे देवेंद्र, इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वह प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापिस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे थे उस ज्ञानी की माता असुर है, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या जैसे पाप की सजा से बचने का सुझाव देते हुए इंद्र से कहा, हे देवराज, इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा, साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्र देव ने सबसे पहले पेड़ से पाप का अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ ने पाप का एक चौथाई हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्र के अनुरोध पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा ले लिया। बदले में इंद्र देव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी। और अंत में इंद्रदेव की विनती करने पर स्त्री ने बाकी बचा पाप का सारा अंश अपने ऊपर ले लिया, जिसके बाद महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी, और तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल को ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।